सिस्टम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है हम जंतर मंतर पर। ये जो आप सैलाब, ये जो काफला देख रहे हैं, कोई आम व्यक्तियों का काफला नहीं है। राजघाट, विजय घाट और जितने भी दर्शन करने की जगह हैं, वहाँ सारी जगह एक जाम का माहौल है और पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। ये कौन लोग हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जहाँ से भी निकलते ही वहीं जाम का एक नज़ारा देखने को मिलता है। ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर जाम है। वो किस लिए जाम है, क्यों जाम है, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो यहाँ जो आए हैं, आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं? हमारी ये है कि हम 17 साल से जो प्राइमरी में जो गरीबों के बच्चे होते हैं, जो वो बेचारे कहीं पढ़ने नहीं जा सकते, उनकी नाक पूछने का काम किया, झाड़ू लगाने का स्कूलों में काम किया और वो स्कूल बंद पड़े थे, उन स्कूलों को खोला है। और आज ये निकम्मी सरकार शिक्षा मित्रों को कहती है कि ये अनट्रेंड है, अयोग्य हो गए। और 40,000 मिल रहे थे तो हम अयोग्य थे, और 10,000 रुपये देने के लिए हमें स्कूल में दोबारा पढ़वाना चाहती तो क्या हम योग्य हो जाएंगे? तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, ये जुल्मों की और मालदारों की जो सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। और जो हम पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम इस सरकार को ये बता देंगे कि क्या नाम है, सरकार कैसे चलती है और कैसे चलाई जाती है। और हम सरकार को बनाना जानते तो बिगाड़ना भी जानते। और मोदी योगी से हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम तुम्हें दिल्ली से भी भगा देंगे, यूपी से भी भगा देंगे और पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे अगर शिक्षा मित्रों की बातें नहीं मानी गई तो। अभी आपको यहाँ दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो आपका मैटर है, जो ये आपका मामला है, राज्य सरकार से संबंधित है। राजा, हमने जो 3 दिन जो है लखनऊ में हमारा धरना चला और 1 हफ्ता धरना डीएम कार्यालय पर चला, योगी जी ने हमसे 5 बार वार्ता हुई, योगी जी से 2 बार वार्ता हुई है और दोनों बार उन्होंने जो समान काम समान वेतन की बात रखी थी, उन्होंने कहा था मैं मीटिंग करूंगा और मीटिंग करके तुम्हें वो कर दूंगा। और उन्होंने बाद में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर 5 बार सचिव से वार्ता हुई। एक राज्य प्रताप सचिव हुआ करते हैं, उन्होंने बाद में सरकार को गुमराह करके और झुंझुना 10,000 रुपये का हमारे हाथ में थमा दिया। क्या कह रहे थे आप? बच्चे हमारे, स्कूल हमारे, गांव हमारे, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे और इनका अब ये एक संशोधन आ गया ना, टी टैट करो, ये करो, वो करो। हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्कूल हमारे हैं, गांव हमारा है, सब हमारा है। अब जो इन जो शहर के शहरी लोग हैं, इनके पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उनसे हमारे बच्चे कहाँ जाएँ? उन्होंने फिर क्या किया, उनकी गाँव के बच्चों को हटाओ तो हम लोगों को अलग करके अब इन लोग अपने बच्चों को भर्ती करेंगे। मतलब हम लोग आयोग हो गए, स्कूल वोटिंग कार्ड आधार कार्ड ये सब करवा रहे, चुनाव करवा रहे, सब में आयोग हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है, किसी प्रकार की कमी मतलब। और अब आयोग हो गए हम, और मोदी ने बनारस में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है, और अब वादा खिलाफ किया है नरेंद्र मोदी और योगी सरकार। ये सब झूठी सरकार है, इनका कोई विश्वास नहीं है। अब हम यहाँ से जब तक जन्म नहीं आएंगे, जब तक हमारा अध्यादेश पूर्ण तरह से लागू नहीं होता है।